आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे और हॉलीडे मूड में बाजार बहुत ही थिन वॉल्यूम्स के साथ कारोबार, और इसीलिए आप देखेंगे कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक बेहद ही सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखा। निफ्टी का अगर आज आपका मूवमेंट देखेंगे तो सिर्फ 70 से 71 अंकों के दायरे में आज दिन भर ट्रेड होते हुए दिखा है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि दिन के लो से रिकवर होकर 10 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 12,250 के ऊपर। तो निफ्टी में आज इनफैक्ट जो सपोर्ट आ भी रहा था वो ऑटो और मेटल स्टॉक्स की ओर से आ रहा था। ऑटो स्टॉक्स ने इनफैक्ट काफी सपोर्ट लैंड किया, क्योंकि अगर आप आज के टॉप गेनर्स भी देखेंगे तो टाटा मोटर्स, आयुष मोटर्स ये सपोर्ट लैंड कर रहे थे। मेटल्स में वेदांता लगभग 1.5-2% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है, तो वहां से एक सपोर्ट आ रहा था। तो ये एक आज का मोमेंटम दिखा है, लेकिन जो रेंज रही आज दिन भर के दौरान वो लगभग 71 अंकों की रही निफ्टी की। वहीं अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी जो रेंज थी वो लगभग 250 पॉइंट्स की थी, 261 अंकों के रेंज में आज सेंसेक्स में ट्रेड होता हुआ दिखा है। और निफ्टी बैंक सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहा आज के सेशन में। आज सपोर्ट नहीं आ रहा था निफ्टी बैंक को दिग्गजों की ओर से, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि ICICI बैंक, ये थोड़े से आज सॉफ्ट थे, लेगार्ड थे। SBI जो एक अच्छा मूवर था प्रीवियस सेशन में, यानी फ्राइडे के सत्र में हमने तमाम PSU स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखी भी थी, लेकिन आज SBI भी ठंडा था, लगभग 1% नीचे ये बंद हुआ है। इसलिए निफ्टी बैंक की जो आज रेंज रही वो लगभग 365 अंकों की रही। हालांकि अगर आप आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो खरीदारी वाले स्टॉक्स की ओर जो रुझान था वो ज़्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि अगर निफ्टी के ही आज के आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन का रेशियो तो 33 स्टॉक्स ऐसे थे निफ्टी के जो कि बढ़कर बंद हुए हैं आज के सेशन में। 17 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि नेगेटिव बायस के साथ क्लोज हुए हैं। सिमिलर एक्शन सेंसेक्स में भी था, 18 स्टॉक्स ऐसे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं और 12 स्टॉक्स ऐसे जो कि डिक्लाइन में रहे हैं। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट ये रुझान उल्टा था, सिर्फ 5 स्टॉक्स बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो ऐसे थे जो कि बढ़कर क्लोज हुए हैं, 7 ऐसे शेयर्स थे जो कि दबाव के साथ बंद हुए हैं। वहीं अगर आप NSE BSE के आंकड़े देखेंगे तो NSE पे भी 1,075 शेयर्स ऐसे थे जो कि एडवांस साइड पर रहे, 747 शेयर्स ऐसे जो कि डिक्लाइन साइड पर रहे। BSE में भी ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो था, लगभग 1,450 शेयर्स थे जो कि एडवांस साइड पर है, डिक्लाइन साइड पर है 1,117 शेयर्स। और निफ्टी एफएनओ में भी 97 स्टॉक्स ऐसे जो कि खरीदारी की तरफ थे, 47 शेयर्स ऐसे जो कि दबाव में थे। लेकिन आज के सेशन में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो सबसे पहले आपको बताते हैं, जिन स्टॉक्स जो ऐसे शेयर्स जो कि सपोर्ट लैंड कर रहे थे निफ्टी को, HDFC बैंक की ओर से 7.5 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर आ रहा था, ITC की ओर से ऑलमोस्ट 4 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन था पॉजिटिव फ्रंट पर, टाटा मोटर्स जो कि आज का टॉप गेनर भी है वहां से 3.25 अंकों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव फ्रंट पे था, और भारती एयरटेल भी सपोर्ट लैंड कर रहा था, लगभग 2.5 अंक का कंट्रीब्यूशन भारती एयरटेल की ओर से आया है। जो ड्रैग कर रहे थे नीचे उसमें ICICI बैंक जो कि कांस्टेंट मूवर रहे हैं, रिकॉर्ड हाइज जिन्होंने टच किए हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, और उस वजह से ICICI बैंक की ओर से जो नेगेटिव साइड पर कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स का था। TCS की ओर से 4 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव फ्रंट पर, इन्फोसिस की ओर से 3.5 अंकों का, और एक्सिस बैंक भी 3.25 अंक का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर दे रहा था। अगर आज के आप FNO के शेयर्स देखेंगे जो कि जहां पर सबसे ज़्यादा बाइंग आज के सेशन में हो रही थी, तो उसमें आइडिया सबसे टॉप मूवर था, 6-6% की मजबूती के साथ ये बंद हुआ है। टाटा मोटर्स DVR यहां पर 5.5% की मजबूती थी, NCC, टाटा मोटर्स और JSPL 3 और ऐसे शेयर्स थे FNO साइड पर जहां पर खरीदारी अच्छी थी। ओपन इंटरेस्ट में भी जहां इजाफा दिखा है, ऑलमोस्ट 4-4.5% की गेंस के साथ क्लोज हुए हैं। लूजर्स को अगर आप देखेंगे तो कमिंस इंडिया, ये एक FNO का स्टॉक जो कि 1.5% नीचे बंद हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा PNB ये भी ऑलमोस्ट 1.25% नीचे क्लोज हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग इनमें हमने देखी थी प्रीवियस सेशन में, आज नीचे थे। GMR इन्फ्रा येस बैंक के दो और ऐसे स्टॉक्स FNO साइड पर जहां पर वीकनेस रही, 1-1.25% नीचे ही ऑलमोस्ट डे रोज पर क्लोज हुए हैं। लेकिन टीम हमारे साथ पूरी मौजूद है, वीरेन हमारे साथ हैं बताने के लिए पूरा डेरिवेटिव का डेटा, यतन है जो बताएंगे आपको कि डीलिंग रूम से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और आज के मेहमान सुमित बगड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं चॉइस ब्रोकिंग से। सबसे पहले वीरेन के पास चलते हैं और आज का डेटा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इंडिकेशन क्या मिल रही है डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए कल के सत्र के लिए। बताइए वीरेन, निफ्टी और निफ्टी बैंक का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस लो पार्टिसिपेशन वीक के लिए बाजार ने और निफ्टी और निफ्टी बैंक ने अपनी चैनल ड्रॉ कर ली है। आज जिस प्रकार की कॉल राइटिंग 12,300, 350 और 400 की स्ट्राइक में हुई है, इंडिकेट करती है कि मंगलवार और बुधवार के सेशन के लिए पॉसिबली निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा 12,320 से 350 की। 30 पॉइंट काफ़ी टफ लग रहे हैं, जिस प्रकार का आउटस्टैंडिंग वाई 12,300 की कॉल में 26 लाख का है। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, याद रखिए 12,200 जो कि आज का लो भी था, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब 28 लाख का है, उसके नीचे करीब आउटस्टैंडिंग वाई 12 लाख का है। तो नीचे 12,180, 12,200, ऊपर 12,300, 12,320।
जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, सेम केस है यहां भी। बहुत स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग हुआ है, 32,000 की पुट 32,100 के पुट्स में खड़ा हुआ है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 15.25 लाख का ओआई खड़ा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 32,100-32,200। और ऊपर की तरफ जिस प्रकार की कॉल राइटिंग 32,500-32,600 के जोन में हुई है, इवन 32,700 के जोन में हुई है, लग रहा है कि कल और परसों के सेशन के लिए 32,600 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो ये डेटा है, और जो डेटा विनय ने शेयर किया उसके मुताबिक अगर पहले निफ्टी की बात करें तो नीचे की तरफ 12,180-12,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ अगर अटक सकता है निफ्टी तो वो 12,300 के लेवल्स हो सकते हैं। सुमित, आपने भी डेटा स्टडी किया होगा, चार्ट्स भी देखे होंगे, अब क्या आउटलुक है कल के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रखें? बिल्कुल दीपाली, डेटा भी स्टडी किया, चार्ट्स भी देखे, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड मूव ही देखने को मिलना चाहिए। 12,300 निफ्टी का इमीडिएट हर्डल है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। जैसे ही 12,300 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो हमें 12,350 से 12,400 तक के लेवल आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप अगर निफ्टी में देखने को मिलता है तो उसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। 12,200-12,230 ये सही लेवल से लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करने के लिए, 12,150 के स्टॉप लॉस से 12,350 और 12,400 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल बैंक निफ्टी आज के सेशन में दिख रहा था, काफी बड़े दायरे में आज ट्रेड भी हुआ है, तो यहाँ पर क्या आउटलुक है कल के लिए? बिल्कुल, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा था और बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में हमको देखने भी मिलेगी। हमें लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से मजबूती दिखा सकता है और स्ट्रॉन्ग है अच्छा खासा चार्ट के ऊपर। ऊपर में 32,500 का लेवल जैसे ही निकलता है तो हमें 32,800 तक का अपसाइड मूव बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। कोई भी डिप अगर बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है 100-200 पॉइंट का प्रेजेंट लेवल से, तो उस डिप में बैंक निफ्टी में खरीदारी करें। 32,000 के आसपास का नीचे में सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ऊपर में 32,600-32,800 ये लेवल हमको जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। तो 32,600 ये टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी में, और इस लेवल का जिक्र भी वीरेन ने भी किया था जब वो डेटा शेयर कर रहे थे। लेकिन अब स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, और ऑटो स्टॉक्स में जो बाइंग दिखी है पिछले कुछ सेशंस में वो सस्टेन कर रही है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के साथ। सबसे पहले टाटा मोटर्स पर अपना व्यू दीजिए, जो कि 180 के ऊपर अब आ चुका है, 4.5% के गेंस आज भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर जिन्होंने पोजिशंस होल्ड की हुई है उनके लिए क्या सजेशन है, और नई स्ट्रैटेजी बनाने का कितना स्कोप है? मेरे लिए सवाल है ना दीपाली? जी सुमित, देखिए दीपाली, टाटा मोटर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर, और पूरा ऑटो पैक में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। कोई भी अगर डिप देखने को मिलता है ऑटो स्टॉक्स में तो इसमें खरीदारी करें। स्पेशली आपने टाटा मोटर के ऊपर पूछा है, तो टाटा मोटर एक बहुत अच्छा स्टॉक है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है चार्ट्स के ऊपर। 180 के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दी है, 180 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तो ये यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है, जिसमें ऊपर में 190 रुपए से लेकर 198 रुपए तक का अपसाइड मूव टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। 175 के स्टॉप लॉस इसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। ठीक है, तो 190-198 के लाइकली टारगेट्स, पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट आयशर मोटर्स, इस पर भी एक व्यू दीजिए। इसमें जो सेकंड हाफ में बाइंग एक्सटेंड हुई वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, 2.5% ऊपर एक क्लोज हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव कैटेगरी का है, बट स्टिल क्या व्यू है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है दीपाली, आयशर मोटर्स भी चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है और यहाँ से एक अपमूव दिखा सकता है। स्टॉक का जो ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 23,000 के आसपास का है, जैसे ही 23,000 का लेवल टूटेगा तो हमें 23,500 तक के लेवल आयशर मोटर्स में देखने को मिल सकता है। 22,700-22,600 के आसपास आयशर मोटर्स में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगा है 22,200 का, ऊपर में 23,500 तक के लेवल हो सकता है इसी हफ्ते में देखने को मिले। और मेटल्स में सुमित, कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या? यहाँ भी बाइंग सस्टेनेबल तरीके से हो रही है, आज भी आप देखिए JSPL को, सेल को, या फिर वेदांता को अच्छा मोमेंटम था यहाँ पर डेरिवेटिव साइड पर भी। बिल्कुल, मेटल स्टॉक में आज हमको डे हाई पे क्लोजिंग देखने को मिली है और सारे मेटल स्टॉक मजबूती दिखा रहे हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को ने देखिए नीचे से कितना बढ़िया रिकवरी दिखाया है। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में और भी अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। मेटल पूरा सेक्टर हमें अच्छा लगता है और यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, तो यहाँ पे हिंडाल्को के अंदर और वेदांता के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। वेदांता अभी तक चला नहीं है तो ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। 149 के स्टॉप लॉस से वेदांता में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, जिसमें ऊपर में 160 रुपए से लेकर 162 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा एक स्टॉक पर और राय दीजिए, वायदा बाजार का स्टॉक है, वो है बाटा। दिन के हाईस पर ये क्लोज हुआ है लगभग 1761 के आसपास,
और पिछले दो दिनों में स्पेशली इसमें काफी अच्छी बाइंग देखी गई है, तो यहाँ पर क्या व्यू है अभी? बाटा में तेजी करके चलने का सलाह रहेगा, बाटा काउंटर चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वैसे भी स्टॉक तेजी के अंदर ही है। कुछ दिनों की गिरावट, कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस से स्टॉक ने अपवर्ड मूव रिज्यूम किया है और आज जिस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और जिस वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है जल्दी स्टॉक 1800 का लेवल क्रॉस करेगा और यहां से ऊपर में 1800 का लेवल क्रॉस करता है तो ऊपर में 1830 से लेकर 1850 तक का अपसाइड मूव बाटा में हमें जनवरी सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश बाय करके चलने की सलाह रहेगी जिसमें 1725 से लेकर 1730 के आसपास का होगा स्टॉप लॉस, ऊपर में 1800 से लेकर 1830 तक के टारगेट बाटा में देखने को मिल सकता है। अच्छा सुमित, आपने 36600 के टारगेट दिए हैं बैंक निफ्टी में और अगर आप तेजी की तरफ बेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी पर तो डेफिनेटली स्टॉक्स भी होंगे जो कि इस तेजी को सपोर्ट करेंगे, तो HDFC बैंक के साथ आप जाना चाहेंगे कल के लिए जो कि 0.5% ऊपर बंद हुआ है, जो सपोर्ट भी कर रहा था आज निफ्टी बैंक को, या फिर ICICI बैंक, SBI या फिर एक्सिस जैसे स्टॉक्स देखने चाहिए जो आज थोड़े से सॉफ्ट बंद हुए हैं? स्टॉक्स में बाय का ट्रिगर आप बिल्कुल दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एक्सिस बैंक अच्छा दिख रहा है, SBI बैंक अच्छा दिख रहा है, HDFC बैंक अच्छा दिख रहा है। HDFC बैंक की पहले बात करते हैं, ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 1300 का पहला हर्डल है, जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो 1310-1320 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बाय करना चाहिए 1260 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक एक्सिस बैंक, कुछ दिनों से ये स्टॉक हलचल में आ रहा है और लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखा रहा है। चार्ट्स के ऊपर देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो हाई लगा है जैसे ही वो निकलेगा तो हमें 780 रुपए तक के स्तर एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं, 750-752 के आसपास इसमें बाय करें 736 के स्टॉप लॉस से 780 के टारगेट्स के लिए। और PSU बैंकिंग स्पेस में SBI वैसे ही दिग्गज स्टॉक है और स्टॉक मजबूत है, चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है, जैसे ही PSU में थोड़ी सी चाल आएगी तो SBI सबसे पहले भागेगा। 330-334 के आसपास स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस बना के चलने की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से छोटा सा स्टॉप लॉस 328 का नीचे पे लगा सकते हैं और ऊपर में ट्रेडिंग के लिहाज से 350 तक के लेवल हमको जल्दी देखने को मिलने चाहिए, हो सकता है इसी सीरीज में हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो व्यू एक्सिस बैंक पर, SBI पर पॉजिटिव है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी खरीदारी की तरफ होनी चाहिए। लेकिन चलिए यतन होता के पास चलते हैं जो रोज आपको बताते हैं कि डीलिंग रूम में क्या बस कर रहा है, कौन से से स्टॉक से जहां पर खरीदारी या फिर बिकवाली की तरफ ट्रेडर्स का बायस ज्यादा है, बताइए यतन। तीन शेयर जो हम कल के सत्र में बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे ट्रेडिंग साइट से डीलिंग रूम्स की सलाह पर, सबसे पहला है TCS। यहाँ रुझान ऐसा है कि ऊपरी स्तरों पर जो कि है 2225 और 2250 वहाँ एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, तो उसको स्टॉप लगा के शॉर्ट सेलिंग या बेचने की एडवाइस है। यहाँ दबाव IT शेयरों पे हमने देखा आज के सत्र में अच्छा खासा था, तो डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि यहाँ दबाव बना रहेगा, सबसे पहला शेयर। दूसरा RBL बैंक है, बड़े दिनों बाद यहाँ हमको अच्छे वॉल्यूम्स पे बाइंग देखने को मिली। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो करीब 10% बड़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, जिसका मतलब ये है कि अच्छे लॉन्ग पोजीशंस यहाँ इनिशिएट हुए हैं और डीलिंग रूम्स का अगर माने तो यहाँ 2-4% की ट्रेडिंग अपसाइड बन सकती है। और आखिरी जो शेयर है वो है केयर रेटिंग्स। पिछले 12 महीनों में शेयर पे 45% का डिक्लाइन देखा गया, गिरावट देखी गई, और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि जो INFS का मामला था जहां लैप्सेस पाए गए, SEBI की 25 लाख रुपए की पेनल्टी के बाद मामला काफ़ी हद तक सुलझ गया है कंपनी के लिए और एक जो हैंगओवर था वो निकल गया है। वैल्यूएशन साइड पे बहुत ही अट्रैक्टिव और यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी अपसाइड बन सकती है केयर रेटिंग्स में भी। तीन स्टॉक्स यहाँ पर बताए हैं, कैश मार्केट का स्टॉक केयर रेटिंग्स जहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग की बात हो रही है, लेकिन पहला स्टॉक जो जिक्र किया यतिन ने उस पर एक व्यू ले लेते हैं क्योंकि IT स्टॉक्स थोड़े दबाव में थे भी आज, TCS इन्फोसिस दोनों नीचे बंद हुए हैं और TCS में तो सुमित जैसे कि बता रहे हैं यतिन जो बायस है ट्रेडर्स का वो नेगेटिव साइड पर ही है, आपका व्यू क्या है? बिल्कुल यतिन के साथ मैं भी सहमत हूँ, मुझे भी लगता है कि IT स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है और IT स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ से बढ़ता हुआ देखने को मिला, तो एक अच्छा खासा दबाव हमको देखने को मिलेगा। TCS की बात करें आज ऊपरी लेवल से स्टॉक फिसला है 2170-2167 ये लेवल्स जैसे ही टूटेंगे तो हमें TCS के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी और फिर हमें नीचे में 2150 से लेके 2120 रुपए तक के स्तर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से TCS में जब भी कोई उछाल पुलबैक आता है तो उसमें सेल का व्यू लेके चले, ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए 2225 का, मेरे को ऐसा लगता है कि यही जो CMP चल रहा है यही के आसपास भी अगर सेल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2167 और 2170 का सपोर्ट टूटेगा तो उसके बाद हमें 2150 से लेके 2120 तक का मूव TCS में देखने को मिल सकता है।
और आरबीएल बैंक पर क्या व्यू है आपका सुमित? ये भी डे हाई पर क्लोज हुआ है और बीटीएसटी की बात अभी यतिन ने की, आपका सजेशन? आरबीएल में पुलबैक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक पिछले कई दिनों से एक सीमित दायरे में, एक छोटी सी रेंज में चल रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा सा अपसाइड मूव दिखाया है। 345 के आसपास की इसकी क्लोजिंग मिली है। 330 के स्टॉप लॉस से आरबीएल बैंक में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी, जिसमें ऊपर में 360 से लेकर 370 तक का अपसाइड मूव आरबीएल बैंक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आरबीएल बैंक पर जो व्यू है वो पॉजिटिव है, दे हाई पर ये क्लोज भी हुआ है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो सुमित ने कौन सी पिक्स आपके लिए आइडेंटिफाई की हैं कल के लिए वो भी बताएंगे, और साथ ही 2019 आईपीओ मार्केट के लिए कैसा रहा है इस पर भी एक रिसर्च आपके सामने लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं, लेकिन क्विकली बता देते हैं अब तक जो डिस्कशन है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है। निफ्टी पर जो रिकमेंडेशन है वो बाय साइड पर ही है सुमित की ओर से, 21,350 के टारगेट्स है, 12,350 के माफ कीजिए टारगेट है, 12,150 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। निफ्टी बैंक में 32,600 के टारगेट्स, 32,000 का स्टॉप लॉस। आयशर मोटर्स बाय रिकमेंडेशन 23,500 का टारगेट, वेदांता में बाय करें 160-162 के लाइकली टारगेट्स के लिए, और बाटा में भी खरीदारी की पोजीशंस बनाएं 1830 के टारगेट्स के लिए, 1725 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। एक्सिस बैंक में भी खरीदारी की सलाह है 780 के टारगेट्स के लिए, एसबीआई भी 350 के टारगेट्स के लिए बाय करें, और एचडीएफसी बैंक यहां भी 1310 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस खरीदारी की तरफ बनाएं, 1260 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और साथ ही टीसीएस यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह है, उछाल पर बेचिए 2150-2120 के टारगेट्स के लिए, 225 का स्टॉप लॉस रखें, और आरबीएल बैंक 360 के टारगेट्स, 330 का स्टॉप लॉस। मार्केट टुडे सुमित बगड़े हमारे साथ बने हुए हैं चॉइस ब्रोकिंग से, अब उनकी पिक्स पूछ लेते हैं। सुमित बताइए कल के लिए आपने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं? दीपाली, दो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें पहला स्टॉक ऑटो स्पेस का है और स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। M&M के अंदर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। आज की एक अच्छी प्राइस एक्शन थी और रिसेंट के जो हाइज बने थे वो टूटते हुए देखने को मिले हैं। 540 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा तो इसके अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और हमें ऊपर में 550 से 560 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 525 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक हमें फार्मा स्पेस में सन फार्मा अच्छा लग रहा है। कुछ थोड़ी सी गिरावट के बाद स्टॉक ने वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम किया है और ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 445 से लेकर 450 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। 421 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो सन फार्मा में खरीदारी की पोजीशंस बनाए और साथ ही M&M, ये दो ट्रेड्स है कल के लिए जो सुमित ने किए हैं रेकमेंड। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और यहां से बात करेंगे 2019 री